लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां की कारक गांव में बदमाशों ने घर के दरवाजे पर सो रहे भाकपा माले की कार्यकर्ता रामविलास महतो उर्फ घौली महतो के तेज धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी। जी हां, आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र से, जहां कारक गांव में बदमाशों ने घर के दरवाजे पर सो रहे भाकपा माले की कार्यकर्ता रामविलास महतो उर्फ घौली महतो की तेज धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी। इस दौरान बदमाश फायरिंग करता हुआ बाइक से फरार हो गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। घटना की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई, बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए हैं। घटना की सूचना पर राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष व विधायक मंजू प्रकाश भी मौके पर पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा, जिले की विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, अपराध चरम सीमा पर है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। घटना के संबंध में बताया गया कि रात में रामविलास महतो खाना खाने के बाद दरवाजे पर सो गए, परिवार के लोग अंदर सो रहे थे। आइए दिखाते हैं पूरा मामला विस्तार से। समस्तीपुर से R9 भारत के लिए रत्न शंकर भारद्वाज की रिपोर्ट। रात में हमें वहाँ रहे छे, तो भल्ला भेला के बाद हमें यहाँ अलिये, तो ऐसे से इनका बुरा तरह से जख्म कैने। कथी से छे बुझा छे कुल्हाड़िये से न कखन भेल? 12 बजे के करीब करीब। केना भेले एले भागले केना? एले अथी केल के तब भागले नीनी पूर्वे मु। पूर्वे मु? हाँ। सुनै छिए जे फायर वर करे तो भागले? दो चार गो कैल कै हन। की नाम भेल अहाँके? कुलकेश्वर महतो। मतलब कि से के छथिन? हमर पप्पा। ठीक। पुलिस की विफलता है, पूरे समस्तीपुर में काफी मात्रा में रेप और हत्या, छीना झपटी, ये सब बढ़ रहा है। तो पुलिस को, पुलिस प्रशासन को इसके लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। वो सही ढंग से अपना काम करें ताकि अपराधियों में उनके खिलाफ डर पैदा हो, ये ज़रूरी है। मैं जाने के बाद पटना इस बात के बारे में उप मुख्यमंत्री से बात भी करूँगी कि समस्तीपुर की स्थिति काफ़ी मतलब ख़राब है विधि व्यवस्था के मामले में, ये बात करूँगी। थाना पर सूचना मिली थानाध्यक्ष महोदय को कि भवंदा ग्राम स्थित रामविलास महतो जी के यहाँ उनके सोए हुए अवस्था में किसी धारदार हथियार से हमला किया गया, उन पर जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसी सूचना पर हम आए हैं यहाँ पे, तो देखने से भी यही लगता है किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, ये तो अनुसंधान का विषय है, उन पर धारदार हथियार कुछ भी हो सकता है उससे हमला किया गया। सर पर भी बहुत सारे गहरे निशान है, करीब 3 गहरे निशान है, जिनसे रक्त स्राव बहुत हुआ होगा, रक्त बहुत बहा होगा, जिससे उनकी मृत्यु हुई है।